हेलो एवरीवन, वेलकम टू जिंगिंग लाइफ। आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ काजू कतली की रेसिपी। काजू कतली की रेसिपी, वो भी बिल्कुल हलवाई स्टाइल में। मैं हलवाई के पास गई थी और वहाँ पे वो जो काजू कतली बना रहे थे, तो मैंने वहीं पे ये वीडियो बनाया है और आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वही हलवाई वाली काजू कतली की रेसिपी। तो सबसे पहले इन्होंने काजू को 3 से 4 घंटे के लिए पानी में भिगोया है और फिर इस तरह से छलनी से पानी से काजुओं को बाहर निकाला है। 9 किलो काजू की आज कतली यहाँ पे बनने वाली है। और इसके बाद में इन काजू को चक्की में पीसा जाता है। नौ किलो काजू है ये और 9 किलो काजू की यहाँ कतली बनेगी। और अब इसमें मिलाई है इन्होंने चीनी। 9 किलो काजू में इन्होंने 8 किलो चीनी मिलाई है। अच्छे से इन सब को चीनी को काजू के पेस्ट के साथ मिक्स किया है और अब इसको बिल्कुल स्लो फ्लेम पर पकाया जाएगा। इसको ये तब तक पकाएंगे जब तक कि ये जो काजू का पेस्ट है वो गाढ़ा नहीं हो जाता। इसको करीब पकने में 30 से 40 मिनट लगने वाले हैं। लगातार चलाते हुए बिल्कुल स्लो टू मीडियम फ्लेम पे ही इसको ये पकाएंगे। और ये देखिए 30 से 40 मिनट बाद ये काजू का पेस्ट काफ़ी गाढ़ा हो चुका है। तो बस अब स्टेज पे ये गैस से इस कढ़ाई को उतार देंगे। अब इस काजू के पेस्ट को ठंडा किया जाएगा। और ये देखिए इस तरह से इस काजू के पेस्ट को ठंडा करते हैं और ये लकड़ी का एक हथौड़े जैसा होता है इनके पास, इसी से ये इस तरह से चलाते हैं जिससे काजू के पेस्ट में एक चिकनाई आती है। इसमें घी का यूज़ नहीं होता, तो काजू में जो ऑयल होता है वो चिकनाई इसमें इस प्रोसेस से आती है। दस से 15 मिनट बाद ये पेस्ट ठंडा हो चुका है, तो इस पूरे पेस्ट को कढ़ाई के बीच में जो है वो इकट्ठा कर लिया जाता है। और अब इसमें डाला जाएगा भीगी हुई केसर। केसर को गुलाब जल में भिगो के रखा था और वो इसमें डाला है। ऑप्शनल है, अगर हम सिंपल काजू की कतली चाहें तो बना सकते हैं, पर इन्होंने केसर वाली बनाई है, केसर वाली काजू कतली, तो इन्होंने केसर इसमें ऐड की है। अच्छे से इस तरह से अब इस काजू के पेस्ट में केसर को मिलाया जाएगा। करीब 5 मिनट तक इसको मिलाएंगे तब ये पूरी मिक्स होगी। और अब देखिए, अब पूरी इसकी एक बड़ी सी लोई जो है वो रेडी हो गई है, बिल्कुल चिकनी लोई है बिना घी वाली। और इसको इन्होंने एक बड़े रोलिंग बोर्ड पे रख लिया है। हाथों से इस तरह से थोड़ा फैलाएंगे। और अब लेंगे एक बेलन और इस बेलन से पूरे इस रोलिंग बोर्ड पे इस काजू की जो कतली है उसका जो पेस्ट है उसको फैला देंगे। बिल्कुल एक सार, कहीं पे भी मोटा पतला नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सेम साइज का सब जगह होना चाहिए। और अब इस पे डाली जाएगी पिस्ते की कतरन। इसे ये लोग मंजिया करना भी कहते हैं। आप चाहें तो सीधा इस पे वर्क भी लगा सकते हैं और इस तरह से पिस्ते के टुकड़े डाल सकते हैं और फिर इस पे थोड़ी सी बेलन चलाई जाएगी ताकि पिस्ते जो है वो अच्छे से इस पे चिपक जाए। साइड से जो एक्स्ट्रा पार्ट होगा वो चाकू से कट कर दिया जाता है और इस तरह से लकड़ी का एक बड़ा डंडा ले करके इसको बराबर साइज में चाकू से कट किया जाता है। इस तरह से निशान बना के लगाते हैं ताकि जो कतली है सेम साइज की जो है वो कट हो।
अब एक्स्ट्रा जो इधर से होता है, जो कतली की शेप में नहीं होता, वो पेस्ट जो है वो हटा लेते हैं। और ये कतली ऑलमोस्ट रेडी है। और अब इस पे डाली जाएगी केसर। गुलाब जल में जो केसर भिगो के रखी थी, ऊपर से इस पर इस तरह से केसर के छींटे डाले जाएंगे। इसमें थोड़ी केसर और केसर का जो ये पानी आएगा, तो कतली का कलर जो है बहुत ही खूबसूरत लगेगा। हलवाई लोगों की ये स्पेशल सीक्रेट रेसिपी है जो हर किसी को नहीं पता होती। तो बस लास्ट में इस कटिंग की हुई कतली को इस तरह से सांचों में रख दिया जाता है और ये कतली बन करके रेडी है। आप भी इस तरह से घर पे छोटे स्केल पे कतली जो है वो बना करके रेडी कर सकती हैं। तो आप सबको आज का मेरा ये हलवाई स्पेशल कतली वाला वीडियो कैसा लगा, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और इसके साथ ही आपने जो कतली बनाई वो कैसे बनाई वो भी मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं मिलती हूँ आप सबसे मेरे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।